नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले आज पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से इन लोगों ने मान रखी कि फर्जी चिटफंड कंपनियों ने जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद की गई हैं, उसके बाद भी कई जगहों पर कार्यरत हैं, जिसमें निवेशकों के लाखों रुपए जमा कराया जा रहा है। साथ ही एजेंटों के माध्यम से इन पैसों को वहां पर लाया जा रहा है। कंपनी के भाग जाने की दशा में निवेशक एजेंटों पर हावी हो जाते हैं, जिन्हें पैसा वापस दिलाने के लिए आज एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष रूपनारायण ओझा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कुछ भी नहीं हुआ तो एजेंटों को परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे, जिस प्रकार पहले भी कई जगहों पर एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। इसी तारतम्य में भोपाल में भी 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एक देशव्यापी रैली का आयोजन किया गया है। विभिन्न चिटफंड कंपनियों में गुना जिले में जो विभिन्न चिटफंड कंपनी चल रही थी, इनको प्रशासन ने लगभग 2 से 3 साल पहले बंद कर दिया है और इनका पैसा सरकार के अपने खातों में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी और UOW और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, जिससे विगत एक महीने में हमारे करीब 12 एजेंटों ने विदिशा में, धार में और भी कई अन्य जगह लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अगर जल्दी प्रशासन हमारा पैसा नहीं देता तो हजार, ये संख्या अभी हजार में होगी, आत्महत्या करेंगे लोग, क्योंकि पार्टी हैं, एजेंटों पर दबाव डाल रही हैं और निवेशकों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कंपनियों में गंवा चुका है। प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हजारों आदमी, हजारों निवेशक, हजारों एजेंट आत्महत्या करेंगे। इसी के उपलक्ष्य, इसी तारतम्य में हमारी 26 तारीख से 28 तारीख तो भोपाल में एक प्रदेश व्यापी रैली का भी आंदोलन किया गया है। मध्य प्रदेश निवेशक धन वापसी एवं रोजगार योजना आदरणीय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख का निवेदन है कि हमारा सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन पिछले डेढ़ वर्ष से विभिन्न कंपनियों से निवेशक धन वापसी एवं अन्यथा हमारे संगठन द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाले दिनों में प्रदेश व्यापी आंदोलन बहुत जल्दी आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिला अध्यक्ष सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन अपनी कार्रवाई पूर्व में की चुकी है, किंतु समाधान पूर्वक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे हमारे इस प्रकरणों का निराकरण कर हमें हमारा अधिकार प्रदान करने, अन्यथा हमारे संघ जेब में लगा हुआ है। लग रहा है कि क्या कितने इसकी हमें 25 तारीख को इसका डिटेल में ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं इन लोगों के साथ महिला निवेशक भी वहां पर आई हुई थी, जिन्होंने अपना पैसा इन फर्जी कंपनियों में लगा रखा था। जिन्हें पैसा वापसी मांगे जाने पर पहले तो प्रलोभन दिया जाता है कि उन्हें प्लॉट दे दिया जाएगा, और बाद में जब कोई प्रलोभन के जाल में नहीं फंसता है तो उन महिलाओं को डराया और धमकाया जाता है। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला जिसको कंपनी से पैसा लेना है, जिसका नाम सुशीला साहू बताया गया है, वह वहां पर आकर बेहोश हो गई। जब जानकारी जुटाना चाहिए कि महिला बेहोश क्यों हो गई तो पता लगा कि कंपनी में इसका भी 20,000 रुपए फंसा हुआ है, जिसको लेने के लिए कई माह से चक्कर काट रही है, लेकिन एजेंट हैं कि उसे परेशान किए जा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। खड़े हो जाओ, सब सामने खड़े हो जाओ। गरीब महिलाएं मजदूरी करके पैसे जमा किए थे, उन्होंने पैसा पूरा दे ही नहीं रहे। वो ये कहीं झूठा झूठा बोल रहे हैं कि हम अगले महीने दे देंगे, कहीं प्लॉट का प्रलोभन देते हैं। बेचारी वो गरीब महिला 15-20 हज़ार रुपये से क्या होना जाना है, उनके लिए तो वही ज़्यादा है ना सर, वो इसीलिए उनकी हालत ख़राब हो रही है। बेचारी सुशीला साहू गोसीपुरा में, उनका 20,000 रुपये नहीं जाना। सुरेश शर्मा जी, वो कंपनी के डायरेक्टर YP शर्मा, सुरेश शर्मा जी, अमानत अली, इन लोगों ने महिलाओं को प्रलोभन दे दे के उनका 5 साल में डबल करने का लालच दिया और महिलाओं से घर पे आके पैसा लेके गए। अब समय पूरा होने पर बोलते हैं
कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, कंपनी जब देगी जब दे देंगे, हम पैसे पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ लड़कियों की शादी है, किसी के यहाँ कोई डेथ हो रही है, पहले भी नहीं है सर, कोई सुनवाई तो पहले कोई सुनवाई नहीं हुई, बोलने लगे पैसा देंगे, फिर अभी बाद में सर उन्होंने मना कर दिया, कहीं प्लॉट का प्लोवन देते हैं, कहीं कुछ ये झूठा झांसा देते रहते हैं और कहते हैं हमारा कोई ना एसपी कुछ बिगाड़ सकता है, कलेक्टर कुछ बिगाड़ सकता, यही बोलते रहते हैं सभी लोग। आज ज्ञापन देने के बाद ये देखते हैं कि इन फर्जी कंपनियों पर कैसे शिकंजा कसा जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि आज भी गुना जिले में कई इस तरह की फर्जी कंपनियां चल रही हैं, जो प्रशासन की नाक के नीचे से लोगों का पैसा लूट रही हैं। इसके बाद भी प्रशासन मौन है। स्काउट गाइड के छात्रों का आज दूसरे दिन का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर में मौजूद सभी छात्रों को विषम परिस्थितियों में कैसे गुजारा किया जाए, इस बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इसके बारे में प्रशिक्षक ने बताया कि सभी छात्रों को 2 आलू 2 बैगन और 2 माचिस की तीलियां दी गई थी और साथ ही उन्हें गुप्त गंगा पर भेज दिया गया, जहां पर उन्हें अपना भोजन पकाकर खाना था, जिसमें सभी छात्र वहां से खाना खाकर वापस लौट आए। वहां छात्रों ने किस तरह से अपना भोजन तैयार किया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रशिक्षक द्वारा डीजीआर न्यूज को दी गई। इसमें आपको पाइनिंग आपको क्या है, रोटी और गैजेट्स बनाना। इसका उपयोग ज्यादातर डॉक्टर कैसे करते हैं, पट्टियां बांधने में करते हैं, जो पट्टी बांधते हैं ना उसके लिए। जब ये लच्छी भी होती है ऐसे सारा करने पे लीजिए रीफ नॉट रीफ नॉट पार्सल का जल्दी जल्दी बैठो, अपने अपने ग्रुप में बैठो। आपका भारत स्काउट गाइड का द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण चल रहा है और ये 21 से शुरू हुआ था, 25 तक चलेगा, ये 25 को इसका समापन होगा और कल मतलब परसों 25 को बच्चे लीव करेंगे, 24 को इसका कार्यक्रम कलेक्टर साहब के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सवेरे इनको चाय नाश्ता देने के बाद में हाइक पर ले गए थे, तो जो गुप्त गंगा है वहाँ इनकी हाइक वहाँ तक थी, वहाँ बच्चों ने स्वयं ने इनको कोई साधन नहीं थे, इनके पास सिर्फ आटा था, बैगन आलू और 2-2 माचिस की तीली, इनसे इनको वहाँ पहुँच के और खाना बनाना था, तो इनको हमने टोलियों में विभाजित कर दिया था, 16-16 बच्चों की टोली थी और ये सामान दे दिया था, तो इन्होंने वहाँ जाके पत्ते आदि तोड़कर उनकी पत्तल बनाकर उन पर आटा गूंदा, उससे बाटियाँ सेकी और पत्तलों से ही भगोनी बनाकर उनमें नीचे मिट्टी लगाकर और उस पर दाल बनाई या आलू बनाए या बैगन की सब्जी बनाई, जो टोलियों में अलग अलग थे, वहीं इन्होंने कुछ मतलब उनको खाया। प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार एवं दिन ब दिन बढ़ती बलात्कार की घटनाओं से वहीं इस बात से दुखी होकर आप पार्टी के आलोक अग्रवाल ने जैसे ही आंदोलन की राह पकड़ी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज इसी के विरोध स्वरूप प्रदेश भर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर गिरफ्तारियां दी। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार बहुत ही असंवेदनशील है और इसे जल्द से जल्द हम उखाड़ फेंकेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल को जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने पुलिस वालों ने जो दौड़ दे के भ्रष्टाचार कर रहे थे और 30,000 रुपए जिन महिलाओं से मांग रहे थे, उस महिला ने आत्महत्या कर ली और रोजाना गैंगरेप की घटना हो रही है, इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के आलोक अग्रवाल ने आवाज उठाई तो सूरज कंस मामा ने उसको जेल में डाल दिया। जेल जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, उन्होंने उनको 3 दिन से जेल में डाल रखा है, 151 की धारा में जमानत नहीं दे रही है, ऐसी निशंक असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से जो गिरफ्तारी की है, हम भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के जिला
जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारी लेने जा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये सरकार महिलाओं पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बेरोजगारों पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं वो नहीं सहेंगे। और किसी भी ताकत और पुलिस के बल पर ये सरकार चल रही है, हम डरने वाले नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर पुलिस एवं प्रशासन ने की विस्तृत चर्चा। महिला सशक्तिकरण को लेकर आज पुलिस और प्रशासन द्वारा सामूहिक रूप से चर्चा की गई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर राजेश जैन ने महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों को जल्द ही गति प्रदान की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने महिलाओं से जुड़े अपराधों की भी समीक्षा की। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाना है, इस पर भी विचार किया गया। और बैठक में बताया गया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है और उनके कल्याण को लेकर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है या नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहर के एक बुद्धिजीवी वर्ग ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। आज इसकी पहली बैठक एक निजी होटल में आयोजित की गई, जहां पर बताया गया कि भारत का लोकतंत्र विश्व में बेहतर लोकतंत्रों में गिना जाता है, वहीं इसे और किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस उद्देश्य से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यहां पर किसी भी पार्टी का कोई बैनर नहीं रहेगा और यहां केवल मुद्दों पर बात की जाएगी, ना कि बहस। साथ ही जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनके विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। आज लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र दुनिया के बेहतर लोकतंत्र में गिना जाता है। इसकी शुरुआत इसलिए भी की जा रही है कि इसको हम बेहतर से और बेहतर बना सकें और इसमें समसामयिक विषयों पर चर्चा बातचीत होगी, मीमांसा हो। इसमें एक उद्देश्य ये भी है कि नोटबंदी हुई इससे क्या खोया क्या पाया, हमने GST से क्या खोया क्या पाया, हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बार बार क्यों हो जा रहे हैं, हमारे देश में क्या बेहतर चीज़ें और हो सकती हैं, इन सब के बारे में विचार विमर्श के लिए लोकतंत्र बचाओ अभियान आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा बैनर नहीं रहेगा। इसमें शहर के बुद्धिजीवी प्रगतिशील लोग मिलकर लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जो भी इन विषयों के ज्ञाता हैं उनको बुलाकर बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग। डायलरनेट को मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध लोगों को रोकना चाहा तो तीनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें प्रधान आरक्षक शिवनंदन भदौरिया के सिर पे गोली के छर्रे लगे, वहीं मौके पर घायल होकर गिर गए। वहीं बदमाश भी मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गए। निवेरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। गुना पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के निर्देश पर क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। गुना जिले में सबसे सेंसिटिव जोन कहे जाने वाले इलाके में पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने की फिराक में घूम रही है। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में पुलिस टीम पर 2 बार फायरिंग भी हुई, लेकिन एक दिन पहले घटित हुई घटना के बाद भी पुलिस को एक बदमाश पकड़ने में सफलता मिली। वहीं दूसरी घटना में पुलिस के हाथ
अभी भी खाली हैं। घटना के बाद प्रधान आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से ही पुलिस बदमाशों के ठिकानों को खंगालने में लगी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जिस तरह से फायरिंग की गई उससे तो यही लगता है कहीं ना कहीं बदमाशों के बीच भी हड़कंप का माहौल है और उन्हें पकड़े जाने के डर से आरोपी बदमाश खुलेआम फायरिंग करने से भी नहीं चूक रहे हैं। डायल 100 पर एक इवेंट आया था कि कुछ 3 मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश जो हैं वो गांव के पास में दिखाई दिए हैं। इसमें हमारे इस इवेंट पे हमारी 100 नंबर की गाड़ी वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए वहां पहुंची थी और वहां पे इन्होंने 3 मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाशों को पाया और जैसे ही उन बदमाशों को रोका उन्होंने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी है और जिसमें कि एक प्रधान आरक्षक के हमारे सर में जो है गनशॉट इंजरी आई है। अभी प्रधान आरक्षक को हम गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए हैं और बाकी जो है जो बदमाश है वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के मौके पर भाग गए हैं। फतेहगढ़ थाने का मामला है, अभी सर्चिंग की जा रही है। अभी जैसे ही कुछ हमें सफलता हाथ लगती है हम आपको बताएंगे। अभी स्टेबल है, अभी इसमें उपचार किया जा रहा है। वो थाने पे ही थे करीब 9:30 बजे शाम को, तो टेलीफोन आया था कि 4 मोटरसाइकिलों पर गोली मार दी, हथियार लेके और फतेहगढ़ तरफ आ रहे हैं। तो उसी सूचना की तस्दीक हेतु उपलब्ध बल के साथ ASI नरेंद्र सिंह रघुवंशी एक आरक्षक के साथ गए। मैं गाड़ी पे उनके पारदियों की सूचना की तस्दीक हेतु निकल गए। निवेरी रोड पे चारों मोटरसाइकिलें जाते दिखी, उसी उन्हीं मोटरसाइकिलों के पीछे उन्होंने गाड़ी लगा दी और उन्हीं को गाड़ी उन्हीं के पीछे लगाए हुए जा रहे थे और उन्होंने मोटरसाइकिल अटक के और पुलिस गाड़ी को फायरिंग सुनी। आपने जवाबी फायरिंग? जवाबी फायरिंग हमने सभी लोगों ने। आपको चोट पर? हाँ, मेरी माथे में। डीजीआरआई में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।